तो कैसे हैं आप लोग? यार देखो, जो भी बंदे पबजी खेलते हैं उनका एक ड्रीम तो ज़रूर होता है कि भाई हमें कॉन्करर जाना है या कॉन्करर टच करके आना है। तो अगर आप भी कॉन्करर जाना चाहते हो या कॉन्करर पुश करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं सीज़न 7 और सीज़न 12 में कॉन्करर रह चुका हूँ और इसलिए जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं यूज़ करता हूँ कॉन्करर पुशिंग के वक्त वो आपसे शेयर करने आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 10 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जो आपको कॉन्करर पुशिंग के वक्त बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो मेक श्योर करना कि आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब कर दो यार, वरना पाप लगेगा। देख लो भाई, तुम्हारे भाई का ही चैनल है। तो आओ यार, शुरू करते बिना किसी देरी के। पॉइंट नंबर 1, मैप। अब सबसे पहले क्वेश्चन जो होता है वो बंदों के माइंड में यही होता है कि हम कौन सा मैप खेलें या किस मैप में ज़्यादा प्लस होती है। तो अगर मेरी बात की जाए तो मैं हमेशा कॉन्करर पुशिंग के टाइम इरेंगल खेलता हूँ। उसके पीछे दो बड़े रीज़न हैं। इरेंगल में सबसे ज़्यादा प्लस होती है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर मैप्स। हाँ सही सुना आपने, इरेंगल में सबसे ज़्यादा प्लस होती है किसी भी मैप के मुकाबले। इरेंगल को मैं सबसे अच्छे तरीके से जानता हूँ एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर मैप लाइक स्मॉल कंपाउंड, शैक्स, व्हीकल स्पॉन, लूटिंग एरिया और भी बहुत कुछ। सो अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप पुश करना चाहते हो तो आप इरेंगल में पुश कर सकते हो, क्योंकि आप इरेंगल को सबसे अच्छे तरीके से जानते हो और आपको पता है उसका लूटिंग एरिया कहाँ है, व्हीकल कहाँ स्पॉन होता है। सो मेरे हिसाब से आप इरेंगल में पुश कर सकते हो। चलो चलते हैं आप अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जो कि है हमारा लैंडिंग पॉइंट। हम लैंड कहाँ करें? देखो यार, अगर आप कॉन्करर जाना चाहते हो तो आपको ये बात दिमाग में डालनी पड़ेगी कि आपको इनिशियल फाइट से बचना है ताकि आपकी माइनस ना लगे। आपको प्लेन पाथ से दूर लैंड करना है ताकि कोई भी दूसरा बंदा आपको इनिशियल फाइट ना दे सके। आप व्हीकल लेके भी दूर जा सकते हो और लूट कर सकते हो, एंड इतने दूर जाना कि जहाँ कोई भी दूसरा प्लेयर ना आए ताकि आप इजीली अपने प्राइमरी गन और लूट कर सको। सो याद रखना, आपको प्लेन पाथ से दूर लैंडिंग करनी है। तो चलो अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जो कि हमारा लूटिंग एरिया। अब लैंडिंग के बाद क्वेश्चन आता है कि हम लूट कहाँ करनी है। तो देखो यार, आपको छोटे छोटे कंपाउंड्स लूटने हैं जहाँ 2-3 घर होते हैं, वहाँ आपको इनिशियल लूट और प्राइमरी गन आसानी से मिल जाएगी, एंड फिर आप इनिशियल फाइट के लिए रेडी हो जाओगे। आप मैप पर मार्क किए हुए कंपाउंड्स पर लूट करने जा सकते हो, क्योंकि ये सबसे सेफ कंपाउंड्स है और आपको लूट भी अच्छी खासी मिल जाएगी। तो चलो अब चलते अपने पॉइंट नंबर 4 की तरफ, जो कि है डोंट एंगेज इन इनिशियल फाइट्स। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको फाइट अवॉइड करनी है, एंड आपका सारा का सारा ध्यान सर्वाइवल के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जो आपकी प्लस होती है वो मेनली आपके सर्वाइवल टाइम की वजह से होती है, किल्स की वजह से भी होती है प्लस। जो मेनली प्लस होती है ना, वो सर्वाइवल टाइम की वजह से होती है। याद रखना, बिना किसी बात के किसी को उंगली नहीं करनी है अंटिल और अनलेस सामने वाला खुद फाइट दे। अगर सामने वाला बंदा खुद फाइट दे रहा है तो यू हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट, आपको फ़ाइट लेनी ही पड़ेगी। बट आपको कभी भी फाइट की शुरुआत नहीं करनी है, क्योंकि उससे आपके माइनस लगने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आओ चलो चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ, जो कि हमारा हाउ टू डू मूवमेंट या रोटेशन। तो देखो यार, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत मैटर करता है कॉन्करर पुशिंग के वक्त। आप कहाँ से रोटेशन डाल रहे हो, आप कौन सा कंपाउंड होल्ड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एंड आप नेक्स्ट जोन के लिए मूव कर रहे हो एंड आपने मैप पर एक स्पेसिफिक कंपाउंड पर मार्क लगाया हुआ है, एंड अगले जोन में ये सोचा हुआ है कि मैं इस कंपाउंड को होल्ड करूँगा, एंड बाय चांस उसी कंपाउंड पर किसी और बंदे ने होल्ड कर रखा है, तो आपको उधर गाड़ी सीधा नहीं रोकनी है। पहले आपको कंपाउंड के 1 या 2 राउंड लगाने हैं ताकि अगर कोई कैंप कर रहा है तो वह बाहर आके आप पर शूट करे और आपको पता लग जाए। अगर बाय चांस आपने गाड़ी सीधा रोक दिया और वहाँ कोई कैंप कर रहा, तो वह आपको सीधा गाड़ी से उतार देगा कवर लेने से पहले। तो आपको मूवमेंट या रोटेशन देते वक्त ये पॉइंट ज़रूर ध्यान रखना है। एंड एक और बात, जब भी आप मूवमेंट करो तो मेक श्योर करना कि आप ब्लू जोन के साथ साथ मूव करो, ताकि आपका सर्वाइवल टाइम इंक्रीज हो सके। जैसा कि मैंने बताया, सर्वाइवल जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा आपकी प्लस लगेगी। तो चलो अब चलते अपने पॉइंट नंबर 6 की तरफ, जो कि हमारा KD कैसे मेंटेन करे। तो यार देखो, आप जहाँ लूट करने जाओगे वहाँ 1-2 बोट तो आ ही जाएंगे, एंड बोट को मारने के लिए ओपन में जाने से पहले ये ज़रूर कंफर्म कर लेना कि वह बोट ही हो, वरना आजकल के बंदे बोट स्कैम करके किल कर देते हैं। तो मेक श्योर करना कि वह बोट ही हो, बाकी रियल प्लेयर नहीं हो।
एंड जैसे जैसे जोन छोटा होता चला जाएगा वैसे वैसे फाइट स्टार्ट होने लगेगी। एंड आपको इसी मौके का फ़ायदा उठाना है एंड आपको थर्ड पार्टी करनी है एंड जितने किल हो सके उतने किल उठाने हैं। एंड एक बात का और ध्यान रखना है आपको कि आपकी कोई फोर्थ पार्टी ना कर दे। आपको किल भी लेने हैं बट सर्वाइव भी करना है, खुद को सेफ भी रखना है ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्लस हो। तो आओ चलो अब चलते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ जो कि हमारा व्हीकल इंपॉर्टेंस। अगर आप सोलो में पुश कर रहे हो एंड आपके पास व्हीकल नहीं है तो आपकी मौत पक्की है, क्योंकि जैसे जैसे सर्कल छोटा होता जाएगा वैसे वैसे बंदे गाड़ी लेके घूमेंगे और आपको कुचलने की ट्राई करेंगे एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कुचल भी देंगे ताकि एंड फिर आपका मतलब कम प्लस लगेगा या फिर माइनस लगेगा। तो आपको याद रखना है अगर लास्ट तक सर्वाइव करना है तो आपके पास व्हीकल का होना बहुत ज़रूरी है एंड ट्राई टू मेक योर व्हीकल योर कवर टू सर्वाइव टिल द लास्ट जोन। एंड एक और बात, आपको अपने बंदे को हमेशा फुल बूस्टेड रखना है ताकि आप 1v1 फाइट ईजिली जीत सको, क्योंकि बूस्ट रहने से आपके करेक्टर की मूवमेंट एंड स्पीड इंक्रीज होती है। तो मेक श्योर करना कि आप फुल बूस्टेड रहो और सेफ जोन में तभी जाने की ट्राई करना जब कोई दो बंदे आपस में लड़ रहे हो, क्योंकि उस टाइम सबका ध्यान उन दो बंदों के ऊपर होता है तो आपके लिए मूवमेंट करनी आसान होगी। चलो अब चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 8 की तरफ जो कि हमारा टीम अप वालों से बच के रहना। अगर आप सोलो में कॉन्करर पुश कर रहे हो तो आपको एक या दो टीम अप वालों से फाइट लेने के लिए रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्करर पुशिंग के वक्त ये बहुत आम बात है। आपको एक साथ दो बंदों से फाइट लेनी पड़ेगी वो भी सोलो मैच में जब आप कॉन्करर पुश कर रहे हो एंड मेनली ये लास्ट जोन में गाड़ी का पीछा करके मारते हैं। तो मेक श्योर करना कि आप किसी एक जगह होल्ड करके आप गाड़ी का कवर बना ले और आपका सामना टीम वाले से हो तो आप उन्हें इजीली फाइट दे सकें और उन्हें मार सकें। चलो चलते हैं अब अपने पॉइंट नंबर 9 की तरफ जो कि है ट्राई टू टेक चिकन डिनर। आपको चिकन डिनर लेने की ट्राई करनी है, क्योंकि अगर आपको सबसे ज़्यादा प्लस चाहिए तो वो तो आपको चिकन डिनर से ही मिल सकती है। बट अगर आप चिकन डिनर नहीं ले सकते तो मेक श्योर करना कि आप टॉप 5 या फिर टॉप 10 तक आ जाओ, क्योंकि अगर आप टॉप 10 में आ जाओगे तो आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्लस लगेगी। तो किल्स इंपॉर्टेंट नहीं है इतने जितना सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है। तो आपको ट्राई करनी है कि आपको किल्स भी मिलते रहे एंड आपका सर्वाइवल टाइम भी इंक्रीज होता रहे। जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि सीजन 12 में मैं टॉप 25 नंबर पर था सर्वाइवल रैंकिंग में। तो सर्वाइवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको कॉन्करर पुश करना है। तो अब चलो चलते अपने लास्ट पॉइंट की तरफ जो कि हमारा है पॉइंट नंबर 10। आपने YouTube पर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जैसे हाउ टू रीच कॉन्करर इन 2 days, 3 days, 5 days, 7 days। बट आपको एक बात बता दूं कि ये पॉसिबल है उनके लिए जिनके पास एक अच्छा हाई एंड डिवाइस है, स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन है और अगर आप दिन रात खेल सकते हो 24 घंटे तभी ये पॉसिबल है, वरना ये पॉसिबल नहीं है। जैसा कि पबजी खेलने वालों के पास लो एंड डिवाइस होते हैं, मोस्टली जो पबजी खेलते हैं उनके पास लो एंड डिवाइस होते हैं। मैं खुद लो एंड डिवाइस पर खेलता हूँ। तो जो लोग लो एंड डिवाइस पर खेलते हैं उन्हें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है कॉन्करर पहुँचने के लिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात, कॉन्करर पुश करते वक्त ट्राई करना कि आपके माइनस ना लगे। बट अगर बाय चांस अगर आपकी माइनस लग जाती है तो निराश मत होना। अगर एक बार कॉन्करर जाने की ठान ली तो कॉन्करर जाने के बाद ही रिलैक्स करना है, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने से पहले उसके लिए डिटर्मिनेशन, उसके लिए जज्बा होना बहुत ज़रूरी है जो कि आपके अंदर होना चाहिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी हो या फिर यूज़फुल लगी हो या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड घंटी को भी बजा दें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एंड आपका कोई डाउट हो कॉन्करर पुशिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड बाकी का गेम प्ले आप एंजॉय करें। धन्यवाद। Thank you.